नमस्कार फरीदाबाद, मैं किशोर शर्मा और पहुंचे हैं सेक्टर 21 सी कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी विजय प्रताप के कार्यालय पर और आज उनको समर्थन देने पहुंचे हैं अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सावरमल गुर्जर। बात करते हैं एक बार उनसे। मेरे कौम के सरदारों से भी अनुरोध है और पूरे समाज से भी ज्यादा से ज्यादा मतों का उपयोग करके और इनको जिताने का प्रयास करें। जी तो सर, फरीदाबाद में ही समर्थन कर रहे हैं या पूरे हरियाणा में भी, जम्मू कश्मीर में भी कर रहे हैं? हम सभी जगह जहाँ जहाँ 14 प्रदेशों के अंदर हमारा संगठन है जो सक्रिय कार्यकारिणी में है, वहाँ हम जहाँ हमारा समाज हमारा संगठन उचित व्यक्ति को मतलब चुन के और उसका समर्थन कर रहे हैं। तो कितने गुर्जर समाज के प्रत्याशी हैं जो आपको लग रहा है कि आप उनका समर्थन करेंगे तो वो अपनी कौम का और अपनी बिरादरी का नाम रोशन करेंगे? हरियाणा प्रदेश में 11 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें सीधा सीधा गुर्जर समाज का दखल है और हमारे हरियाणा में 6 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर हमारे गुर्जर समाज के प्रतिनिधि हैं जो कि विधानसभा में पहुंचने का प्रयास है, मतलब रत है। मैं उम्मीद करता हूं और मुझे आशा है कि वो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। तो फरीदाबाद के गुर्जर समाज से आपकी क्या अपील है? फरीदाबाद में मेरा गोत्र चंदेला है और मैं जहाँ खड़ा हूँ ये क्षेत्र मतलब फतेहपुर चंदेला में मेरे गोत्र के लोग हैं। मेरा इसलिए अपनापन यहाँ से ज़्यादा है और मैं मेरे गोत्र के लोगों से विशेषकर चंदेला गोत्र से ज़्यादा अपील और आशा और उम्मीद करता हूँ कि वो विजय प्रताप जी को भारी बहुमत से जिताने का प्रयास करें। जी, हरियाणा में क्या लग रहा है आपको कि गुर्जर समाज अगर जीत कर आता है तो कौन सी ऐसी पार्टी है जो उनको उचित एक इज्जत और एक मान सम्मान मिलेगा ताकि गुर्जर बिरादरी को उसका मान सम्मान मिले? हमारा जो संगठन है वो कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। हमारे संगठन में सिर्फ और सिर्फ गुर्जर समाज का हित, जो पार्टी हमारा सम्मान करती है, हमारे हितों की रक्षा करती है, हम उसी के साथ हैं। नॉर्मल जी, एक सीट पर अगर कई गुर्जर प्रतिनिधि खड़े हैं, जैसे तिगांव में 4 प्रत्याशी खड़े हैं, तो ऐसे में आप कैसे करेंगे? ये हमारे समाज के ऊपर हम छोड़ते हैं। हमारे समाज को संगठित होके और एक कैंडिडेट को जो कि जीत का दावेदारी रखता है उसको जिताकर विधानसभा में भेजने का प्रयास करते हैं। अच्छा, तो आप लोग आपस में सुझाव और पंचायत करके फिर डिस्कस करके फिर होगी? हमारा जो संगठन है वो समाज को संगठित करना और शिक्षित करना और राजनीतिक क्षेत्र में भी पूरा सहयोग करने का मादा रखता है। और दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जो कौम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आप सभी से मेरा अनुरोध है, हमारे जितने भी विधानसभा प्रत्याशी जहाँ जहाँ से गुर्जर समाज के खड़े हैं उनको एकजुट होकर जिताने का प्रयास करें। तो सर, आपको ये लगता नहीं कि इस समय जो देश में जातिवाद की जो चर्चा हो रही है कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा है? बिल्कुल बिल्कुल, आज हमें मतलब बहुत पहले से ही इस मामले में पिछड़ापन में छोड़ा गया है। हर समाज का एक संगठन है, हर समाज आगे चल रहा है। हमारा संगठन 1908 का संगठन है, आरएसएस का संगठन भी 1925 में मतलब गठित हुआ था, लेकिन हमारे जो लोग हैं मतलब असल मायने में फरीदाबाद गुड़गांव दूसरे क्षेत्र को छोड़ के बहुत पिछड़े हुए समाज में गिनती में। जो गुर्जर समाज के लोग हैं वो भी अभी उनका उस तरह से विकास नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए? बिल्कुल, देखो राजनीतिक क्षेत्र में भी मतलब अभी और ज्यादा उम्मीदें थी। हरियाणा प्रदेश के अंदर 11 विधानसभा क्षेत्र के अंदर 11 कैंडिडेट तो जरूर मतलब टिकट के दावेदारी रखते थे, लेकिन 6 विधानसभा हलकों में टिकट दी गई है, यह भी एक सोच का विषय। तो आप देख सकते हैं ये गुर्जर समाज अभी किस किस जिले में आप कर चुके दौरा? अभी मैं फरीदाबाद और पलवल दो जगह में करके आया हूँ, अभी इससे आगे गुड़गावा, समालखा, नारायणगढ़, कालका, यहाँ जाने का मेरा प्रयास रहेगा और जिताने का प्रयास रहेगा। मैं वोट की अपील करूँगा और सभी कौम के सरदारों से अपील करूंगा कि अपने प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा बहुमत में विधानसभा में भेजने। सभी कौम अपने अपने प्रत्याशियों की मदद करें, यही कहना आपका? जी, सभी कौम विशेषकर मैं हमारी कौम से मेरा अनुरोध है। हमारा समाज
हमारा संगठन हमारे समाज के हित में, अदर समाज के हित में, सरकार के हित में, प्रदेश के हित में, देश के हित में काम करता है। और हमारा जहाँ जहाँ हमारे समाज का प्रतिनिधि नहीं खड़ा है, आज वहाँ पे हमारे समाज के जो लोग हैं उनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा कि एकजुट होकर जो हमारे समाज की वकालत करे उस प्रत्याशी को विधानसभा में भेजने का प्रयास करें। ठीक है।